ओके जी बड़ा अच्छा एम सी क्यूज का सिलसिला करा रहा हूँ मैं विद इंक्रीज ऑफ द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड एंड गैसेस ऑप्शन है इन फ्लोटाइनिक्स की इनक्रीज फॉर बोथ एंड डिक्रीज फॉर बोथ इंक्रीज फॉर लिक्विड एंड डिक्रीज फॉर गैस डिक्रीज फॉर लिक्विड एंड इंक्रीज फॉर गैस तो बड़ी अच्छी एम सी क्यूज है सारी एक्सप्लेनेशन के साथ क्योंकि बहुत uh, है मैं ये चैप्टर नस्ट के हिसाब से ख़ासतौर पे तो इसका आंसर है डिक्रीज फॉर लिक्विड एंड इंक्रीज फॉर गैसेस क्यों भाई देखो द इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीज़ द इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ लिक्विड हैंस मेक देयर फ्लो ईजी बट इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इन गैसेज मेक मोलिकुलर मोशन विकोरस देन रिड्यूसिस द नेट फ्लो इन पर्टिकुलर डायरेक्शन दिस इज द रीजन ठीक है जी क्वेश्चन टू द मैक्सिमम ड्रैक फोर्स ऑनंगेट इज तो इसका आंसर है नाइन पॉइंट एट न्यूटन ठीक है जी इसका आंसर हो जाएगा आफ्टर टर्मिनल वोल्टेज द ड्रैक फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट वैन ड्रैक फोर्स बिकम मैक्सिमम ठीक है जी क्वेश्चन थ्री ए वाटर हाउस ऑफ इंटरनल डायमीटर ऑफ ट्वेंटी मिलीमीटर डिस्चार्ज थर्टी केजी ऑफ वाटर इन सिक्सटी सेकेंड कैलकुलेट ऑफ स्पीड ऑफ वाटर रॉफ और वाटर इज वन थाउजेंड के पर मीटर क्यूब तो इसका आंसर है वन पॉइंट सिक्स मीटर पर सेकेंड देखो न्यूमेरिकल है ये वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे टाइम से एरिए आएगा ठीक है जी और फिर ये एरिएन टू बिलासिटी तो वैसे ही रहेगा अब वॉल्यूम होती है मास ऑफ ऑन डेंसिटी ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया डेंसिटी और टाइम को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया हमने और ये एरिया भी उधर जाके डिवाइड तो वेलोसिटी कैसे निकलेगी मास की वैल्यू पुट करेंगे एरिया लपाया स्क्वायर एर हो गया डेंसिटी